नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मौजूद हैं शहर के घंटाघर चौराहे पर, जहां पर दीपावली पर्व को लेकर आज धनतेरस पर यहां का क्या हाल है। आइए हम दुकानदारों से और कुछ ग्राहकों से जानेंगे कैसा रहा उनका यह त्यौहार। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हम मौजूद हैं शहर के घंटाघर स्थित सीमा इलेक्ट्रिकल्स पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार सुनील कुमार पंसारी। आइए उनसे पूछते हैं इस बार की जो दीपावली रही है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट लिए कैसी रही। 50% सेल चल रही है मार्केट में, बाज़ार बहुत मध्य है, फिर भी हम लोग संतुष्ट हैं क्योंकि प्रशासन द्वारा हम लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है। 50% सेल में हम लोग संतुष्ट हैं। आप लोगों सबको लिए दीपावली मंगलमय हो। हमारे साथ जुड़ गए हमारे परम मित्र अमित जी से पूछते हैं क्या खरीदने आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में और क्या खरीदा है। यहाँ सीमा इलेक्ट्रिकल से हमने ये बजाज सूर्या का इंडक्शन लिया है 2 साल की वारंटी के साथ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हम काफ़ी दिनों से इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। इस बार खरीदारी थोड़ा मंदा है मार्केट में, मंदा जेब में कड़की है और जेब में तो कड़की है ही, हर साल की तरह रहती है, लेकिन मंदा है। लेकिन थोड़ा बहुत सामान तो धनतेरस में लेते ही हैं, लेकिन इस समय ठीक ठाक है। धनतेरस का मुहूर्त आपको दिखाना पड़ा? हाँ, धनतेरस का मुहूर्त दिखाना पड़ा है और एक शगुन टाइप का करना पड़ा है और काफ़ी अच्छे रेट में हमें ये इंडक्शन मिल गया है। वैसे तो इसकी कीमत 3300 रुपये है, सर ने हमारे लिए 3000 रुपये का लगाया हुआ है, बहुत अच्छी रेट में मिल गया हमें। किसना आइसक्रीम लगाने वाले मुकेश साहू जी इस समय बरसात के लिए लइया चिरौंजी वगैरह भेज रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं आइसक्रीम छोड़कर आज इस सीजन पर कैसी है। बाजार फेल लग रहा है, कोई रस नहीं है। धनतेरस का दिन है लेकिन धनतेरस जैसा कोई भी दिन मालूम नहीं पड़ रहा है। अब कल परसों देखा जाएगा कैसा है, आज का बाजार बिल्कुल नहीं है। हमको तो हर साल से आधा की बाजार नहीं लग रहा है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल कैसा है? पिछले वर्ष से आधा से भी नीचे है आज धनतेरस के दिन। अब कल परसों देखा जाएगा कैसा रहेगा। जिसको जलाया जाता है पूजा की जाती है। आइए पूछते हैं किस इस बार की जो दुकानदारी है वो कैसी रही, किस तरह के दिए बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, दिखाओ, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह के दिए बनाए गए हैं और इस बार कैसा रहा इनका त्यौहार का जो सीजन है। आइए बात करते हैं। आज से हमारी दुकानें लगी हैं और प्रशासन ने इतना परेशान किया हम लोगों को, बीच में दुकानें नहीं लगा। प्रशासन ने बीच में जो ट्रैफिक जाम होता था उसको लेकर हटाया है और आपको व्यवस्थित भी किया है। आज हुए 4-5 दिन की दुकानदारी तो हमारी पूरी बेकार हो गई और मतलब यहाँ पे सब लोगों को, आदमियों को भी लठियों से मारा, औरतों को भी भगाया जबरदस्ती से, बहुत ज्यादा बार बार तुम हट्टी हटा रहे, कुछ भी कर रहे, सब बेकार किया। इस बार का मोरन का धंधा वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं यहाँ पे दुकानें, लेकिन बेकार हुआ। यहाँ पर जो सामान बिकता है गद्दे रजाई और पर्दे जो सजाए जाते हैं दीवार, इस बार का जो मार्केट रहा है वो किस प्रकार का रहा है। जी संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टीवी में आपका। नमस्ते सर। इस बार जो आपका सीजन रहा है कैसा रहा दीपावली का? दीपावली का सीजन थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है अभी 4-5 दिन से, बाकी अभी पहले बहुत मुद्दा निकला है इसका, इसलिए सालों की अपेक्षा इस बार बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बाजार में भी देख रहे हैं कि कोई चहल पहल नहीं, नहीं विशेष नहीं, विशेष नहीं। तो इस बार क्या लगता है आपको, रोजाना की तरह रहा? रोजाना के से थोड़ा अच्छा रहा, बाकी बैलेंस है ज़्यादा नहीं। हम पहुँचे हैं सराफा मार्केट में, जहाँ पर ड्रीम कलेक्शन के नाम से कपड़ों की दुकान है हमारे सानू भाई की। आइए उनसे पूछते इस बार जो कपड़ों का बाजार रहा है वो किस प्रकार रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ललितपुर लाइव टीवी का और आप सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का जो मार्केट रहा है कपड़े का, कपड़े को लेकर तो कैसा रहा? आपको बता दें इस बार कपड़े का मार्केट बहुत स्लो है। एक्चुअली में ऑनलाइन के आने से कपड़ा बाजार के साथ साथ काफ़ी बाज़ार पर भी रौनक कम दिख रही है। आप देख सकते हैं कि बाज़ार जो बहुत ज़्यादा जगमग होता था धनतेरस के दिन, यहाँ लोग दिख ही नहीं रहे बाज़ार में। अभी 8 बजे के बाद तो यहाँ चहलकदमी होती थी, बहुत माहौल गुलजार रहता था, पर आज के समय में आप देख सकते हैं माहौल बिल्कुल खाली है, दुकानदार सब खाली बैठे हैं। आगे सराफे में तो कई दुकानदार घर भी चले गए हैं। पिछले साल 2 साल कोरोना रहा, उस समय मार्केट पिटा, अब लगातार पिटता चला आ रहा है, इसमें क्या मानते जी हैं? बिल्कुल, हमेशा से मार्केट की स्थिति बहुत दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है और अगर ऐसा ही जब तक मार्केट में जब तक पैसा नहीं होगा तो लोग खरीदारी नहीं करेंगे, इसलिए मार्केट में पैसा आना चाहिए। यहाँ पर कम से कम फैक्ट्रियाँ, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जिससे पैसा बाज़ार में सर्कुलेट हो।
अच्छा, इस बार ट्रैफिक की व्यवस्था जो रही वो कैसी रही? आपको बता दें, एसपी साहब और सीओ साहब की वजह से यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। और इस बार बाज़ार में भी आप अलग सा माहौल देख सकते हैं। जो पहले दुकानदार बहुत सारी दुकानें आगे निकाल लेते थे, उनके आग्रह पर, उनके कहने पर सभी दुकानदारों ने स्वतः ही दुकानें थोड़ी कम लगाई हैं, इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू चलती है। को लेकर हम पहुँचे हैं सावागर चौक स्थित मोहन मावा डेयरी पर। वहाँ पर मौजूद है नीरज भाई हमारे। आइए उसे पूछते हैं इस बार का जो दीपावली का त्यौहार है वो किस तरह का? ठीक है, माहौल अच्छा है और सब चल रहा है धीरे धीरे। कल परसों भी तो दो दिन का है भाई, उसके बाद पता है। आज का कैसा रहा पिछली बार? अब ठीक ही है, वो जितना जो हर बार हम आता उतना ही फिक्स ही है अपना तो जो है। आगामी दो दिनों में कैसा चलने की उम्मीद है? जितनी हमारे पास है उतना ही हो जाए खत्म, वही उम्मीद। महंगाई की मार चल रही है, बाजार में सन्नाटा पसरा है, तो बस ठीक है जो चल रहा है उसको कोई महंगाई को रोक नहीं पा रहा है। ना समय की मांग ही है महंगाई की, जब आदमियों की तनख्वाह उतनी है तो काम भी महंगाई उतना हो गया। क्या लगता है मिठाई इस बार अच्छी बिकेगी? नहीं, मिठाई तो वो जितना है उतना ही बिक जाए, हमें उतनी तसल्ली। मिठाई में अभी तमाम प्रकार की अब रेडीमेड आ गई हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ा मार्केट में? बहुत फ़र्क पड़ जाता है, सब चीज़ें ऑनलाइन का भी, ऐसे भी आदमी अब तक हर सुविधा लेना है, बाजार में आके क्या करेंगे। चौक स्थित नील कमल स्वीट पर जानते हैं इस बार का जो दीपावली का पर्व है वो किस प्रकार चल रहा है। पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, फिलहाल अभी तो यहाँ ठीक है और बाजार का हमें अभी ज्ञात नहीं है क्या था। जैसा कि हर बार भीड़ देखते थे, इस बार भीड़ कम दिख रही है, इस पर क्या कहेंगे? भीड़ तो कम है साहब। क्या मानते हैं मद्दा है? हाँ, मद्दा है इस बार, हाँ हर साल की अपेक्षा। अब इस समय मौजूद है शहर के सबसे व्यस्तम सावरकर चौक पर, जहाँ पर मौजूद है अलंकार ज्वेलर। तो इस बार सोना चांदी का बाजार कैसा रहा, आइए हम उन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं इस साल के सोने चांदी का बाजार का भाव और मार्केट कैसा रहा। इस बार उम्मीदों से बहुत अच्छा रहा मार्केट, और निकट भविष्य में सारंग शादियों का सीजन भी चालू होने वाला है, इसलिए लोग शादियों की शॉपिंग भी कर रहे हैं और भाव इस बार स्थिर है काफ़ी समय से, तो लोगों के लिए सामान ले रहे हैं। और इस बार अपन क्या है, हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं जो सारी की सारी HUID वाली है, जिसको आप BIS Square ऐप पे जाके अपन सर्च भी करके देख सकते हैं कि ये ज्वेलरी कितने कैरेट की है, कैसी है, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, हर चीज़ की नॉलेज आ जाती है। ललितपुर में अब काम बहुत अच्छा हो रहा है और निकट भविष्य में बाज़ार और अच्छा चलने की हम लोगों को उम्मीद है। इस बार बहुत अच्छा रहा, प्रशासन का बहुत बढ़िया काम रहा, तो उन्होंने इधर जो फेरी वालों को नहीं लगने दिया, जिससे सारे लोग सुचारू रूप से अंदर आ सके। नहीं तो जो बुज़ुर्ग लोग थे या जिनको शरीर में तकलीफ रहती थी वो नहीं शॉप पे आ पाते थे, इस बार बुज़ुर्ग लोगों ने भी दुकान पे आने का लुत्फ उठाया। हम मौजूद हैं घंटाघर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी तैनात हैं, लगातार सुबह से ही यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चालू है। और अगर हम नगर पालिका की परिषद की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग किस तरह दुकान सजाई गई है, छोटे छोटे सामानों की जो पूजा वगैरह के सामान होते हैं उनके सामान को लेकर किस तरह सजाया गया है। खरीदारी को लेकर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं किस तरह की इस साल खरीदारी की है और कैसा महसूस कर रहे हैं। इस बार जो दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है तो आम व्यक्तियों के लिए पहले अपने घर का राशन के लिए चलाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है, और उसके बाद जो बचा कुचा अपना आमदनी है उसमें अपनी दीपावली पर्व में नए बर्तन आभूषण और ज्वेलरी वगैरह धनतेरस पर आकर बाज़ार में, फिर भी बाज़ार में रौनक कम है, महंगाई की मार झेल रहे हैं सब लोग। जी आपका क्या कहना है? देखिए इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि बाज़ार में जो रौनक रहती थी, रौनक तो कम है लेकिन कम से कम प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, कम से कम 4-व्हीलर तो अंदर बाज़ार में अलाउ नहीं किए हैं, इससे कम से कम आदमी आराम से सुकून से घूम पा रहा है। अच्छा, सुरक्षा की बात करें तो इस बार कोई घटना भी नहीं हुई है, हर साल कोई छोटी छोटी घटना होती थी, इस बार घटना भी कोई सुनने में नहीं आई। प्रशासन की चुस्ती की वजह से, प्रशासन के इसके लिए बधाई के पात्र है प्रशासन कि उसके द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था, PM साहब दोनों का अच्छा कार्य हो रहा है और प्रशासन के द्वारा पूर्णतया शांतिपूर्वक पूरा आराम से आदमी बाजार जा रहा है या बाजार से आ रहा है। अच्छा, हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, यहाँ पर बीच बाजार लगा रहे लोग बैठ जाते थे जिससे पूरा यातायात चौपट होता था, उससे दुकानदारों को परेशानी हो रहा, यहाँ से निकलने वालों को भी परेशानी होती थी, उस पर क्या है आपका कहना? देखिए प्रशासन के द्वारा
उनकी व्यवस्था ये बहुत अच्छी की गई है, लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था साइड में दोनों दुकानदारों को शिफ्ट किया है, उससे कम से कम आने जाने वाले वाहनों को कोई परेशानी नहीं हो रही है और आराम से वाहन आ रहे हैं, आराम से वाहन जा रहे हैं। हम मौजूद हैं शहर के घंटाघर पर और हमारे साथ भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अजय जैन साइकिल, जो कि वरिष्ठ भाजपा की बहुत ही शानदार जानदार रही है। यहाँ पे ग्राहकों का निरंतर आगमन हो रहा है, ग्राहक अपनी खरीदारी में लगे हुए हैं। अरे, अगर देखा जाए कि इस बार जो बाजार है, बाजार में ताले डल चुके हैं, खासतौर पर कटरा बाजार में, तो क्या लगता है इस बार बाजार में कपड़े की दुकानें बंद है? केवल कपड़ों का व्यापार नहीं चलता दिवाली पे, इस बार कपड़ों का बाजार नहीं चला, कपड़ों का व्यापार चल रहा है करवा चौथ पर, और इस पर क्या सोने चांदी की दुकानें खुली हैं, रेडीमेड की दुकानें खुली हुई हैं, और सारे ये बर्तन की दुकानें खुली हुई हैं, और पूरे बाजार में ये जो सजावट का सामान उसकी दुकान, हर साल की जो चहल पहल रहती थी आज बार वो भी देखने को नहीं मिल रही है। इस बार बाजार कई बार डिवाइड हो गया है, कई जगह कुछ बाजार यहाँ लगा है, कुछ बाजार सीधी घंटा घर की महंगाई की मार है। महंगाई हुआ नहीं, आदमी की जो है खरीदारी शक्ति बहुत बढ़ गई है, परचेजिंग पावर बहुत बढ़ गई है। जैसा कि देखा जा रहा है केवल जरूरत का सामान ही लोग खरीद रहे हैं और बाकी फिजूली खर्च कोई नहीं कर रहे हैं, इस बार हमने ये भी देखा है। सोने चांदी की दुकान भर में तो आदमी क्या है, आज 12 महीने खरीदी करता है, महज एक जो है धनतेरस तो एक वो भी है, कल भी धनतेरस है, आज भी धनतेरस है, तो दो दिन उसका बाजार डिवाइड हो गया है, कल भी रौनक रहेगी आज भी रौनक है। इस बार क्या है कि तिथियों के अनुसार दो दिन धनतेरस बनी है, आज भी ये धनतेरस कल भी धनतेरस है, तो इसलिए बाजार में कुछ ग्राहक कल भी आएंगे जा जाएंगे, लेकिन बाजार रौनक कम नहीं है, रौनक बहुत बढ़ती है। नजाई बाजार स्थित ओसो मोबाइल पर आइए, जानते हैं मोबाइल का इस बार कैसा मार्केट रहा है। मोबाइल का बहुत शानदार मार्केट है, ऑनलाइन से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है ऑनलाइन से, लेकिन फिर भी ऑफलाइन में बहुत अच्छा मार्केट रहा है इस समय। फाइनेंस को लेकर फाइनेंस भी बहुत अच्छे हुए हैं, बजाज से भी, TVS से भी, HDB से भी, कंपनियां आने से, ऑनलाइन की फाइनेंस कंपनियां आने से फर्क बहुत। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितने मोबाइल लगभग बिके हैं? लगभग 100 पीस की उम्मीद थी, लेकिन 25-30 पीस बिक गए हैं। पिछले साल लगभग कितनी बिक्री रही थी? पिछले साल से अच्छा है इस साल का मार्केट मोबाइल की, उसमें इलेक्ट्रॉनिक बढ़िया, बहुत अच्छा मार्केट इस समय। फाइनेंस को लेकर ग्रोथ हुई है मार्केट में मोबाइल की? हाँ, ग्रोथ फाइनेंस से बहुत काफ़ी ग्रोथ हुआ, 30-35% तो फाइनेंस ही होता है इस समय। रंग महल म्यूजिक, राकेश जैन, इस बार की जो सेल हुई है फाइनेंस पर आधारित ज़्यादा रही है, और बड़ी रेंज के फ़ोन अच्छे बिके हैं, मिड रेंज के कम बिके हैं, बाकी ओवरऑल एवरेज बिक्री है। लगभग लगभग बाजार की क्या कंडीशन रही है? बाजार की कंडीशन पिछले साल की अपेक्षा ठीक है, लेकिन जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। मोबाइल तो आज की डेट में बिल्कुल दिल की धड़कन हो गया है, तो हर व्यक्ति को मोबाइल आज आवश्यक हो गया है। अब हम पहुँचे हैं मोटरसाइकिल स्कूटी बाजार में, सबसे पहले हम पहुँचे हैं आनंद बजाज ऑटोमोबाइल्स पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं बंटी भाई। आइए उनसे पूछते हैं, जो पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो बाइक का बाजार रहा है वो किस प्रकार का रहा है, मार्केट रहा है पिछले 3 सालों की अपेक्षा इस बार कैसा रहा? इस बार ग्राहक में काफ़ी मतलब उत्सुकता थी, और टू व्हीलर मुझे लगता है पिछले 2-3 सालों से इस साल काफ़ी अपेक्षा से ज़्यादा रहा, और हम समझते हैं कि हमने बजाज में कुछ ऐसे मॉडल्स थे, इसके वजह से हम आज और ज़्यादा पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी हमने प्रोग्रेस की है, जिसमें कि हमारा एक 150 पल्सर जो N है उसने तो हमारे मार्केट में काफ़ी धूम मचाई, और दूसरा हमारे यहाँ ये चीज़ बिक्री होने का कारण ये भी रहा कि लोगों को हमने 10,000 रुपये तक की फ़ायदा दिया है, कस्टमर को हमने फाइनेंस 6.9% पे दिया हुआ है और 98% तक फाइनेंस किया हुआ है, तो कस्टमर का रुझान काफ़ी अच्छा रहा बजाज की तरफ। मतलब अगर 1 लाख की कोई गाड़ी है तो केवल 10,000 रुपये देखे जमा करके? बिल्कुल 9,000, 8,500
तक भी गाड़ी पैसा जमा करेगा तो कस्टमर फाइनेंस कर। अच्छा, कंपनी की तरफ से क्या ऑफर रहा और आपकी तरफ से इस बार क्या ऑफर रहा? कंपनी ने तो फिलहाल वैसे तो ऐसा कोई ऑफर नहीं था, लेकिन कुछ गाड़ियों पे 2100 रुपये का डिस्काउंट था और हमारी तरफ से एक एरोस्टो ग्रेड का 6600 MRP का सूटकेस हम हर कस्टमर को गिफ्ट में दिया, जो कि उससे कस्टमर बड़ा प्रभावित हुआ और उसका मन बड़ा खुश हुआ कि काफ़ी अच्छी हमें गिफ्ट मिली है एक दो दिवाली के सीजन पर। अच्छा भाई, अच्छा फाइनेंस की बात करें तो आजकल लोग फाइनेंस के थ्रू ही खरीदते हैं, तो फाइनेंस से बिजनेस बढ़ा है कि कम हुआ है? नहीं नहीं, फाइनेंस से लोगों की जेब बढ़ी है, कैपेसिटी बढ़ी है। जो हमारा कस्टमर जो एक परचेज नहीं कर पाता था गाड़ी को, जो एक सोच नहीं पाता था मोटरसाइकिल के प्रति, वो आज उसके पास अगर 8,000 रुपये 10,000 रुपये भी हैं तो आज गाड़ी बजाज बाइक खरीद सकता है। और ये इससे लोगों की, मतलब ये समझ लो उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। मैं सभी नगरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा पूरा ललितपुर बहुत अच्छी तरीके से दीपावली मनाए और सब परिवार सभी सुखी और बड़ी समृद्धि से कार्य हों। हम पहुंचे हैं गल्ला मंडी रोड TVS संजय TVS शोरूम पर, जहां पर हमारे साथ सेल्स मैनेजर सुरेंद्र जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं इस बार का जो दीपावली का मार्केट रहा है धनतेरस पर, कितनी क्या गाड़ियां बिकी हैं, कैसा माहौल रहा? देखिए सर, पिछली साल की अपेक्षा इस बार हमारा मार्केट ठीक रहा और ठीक बढ़िया गाड़ी बिकी है। और आज का जो गाड़ियों का बिकने का जो रहा, किस कैसा रहा पिछले सालों? ये अच्छा रहा, पिछले साल से हमारी गाड़ी ज़्यादा बिकी है इस बार। हाँ, इस साल से और सुबह से ही लेन लगी रही, सुबह से ही हमारे यहाँ आवागमन बना रहा। दिन में हमने देखा था काफ़ी भीड़ थी, लोग चहल पहल थी, काफ़ी भीड़ हमारे यहाँ बनी रही, बराबर कंटिन्यूस मार्केट सेम चला, एक सी भीड़ बनी रही, कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ भीड़ की कमी नहीं है और कंटिन्यूस रात 8 बजे तक हमारे मार्ग कस्टमर आता रहा जाता रहा। आगामी दो दिनों में और क्या उम्मीद रखते हैं? भगवान की कृपा से उम्मीद यही रखेंगे कि ऐसा ही निरंतर सेल चलती रहे, दो दिन तीन दिन छोटी दिवाली बड़ी दिवाली बराबर ऐसा ही हमारा मार्केट चले और अच्छी गाड़ी बिके। अब हम पहुँचे हैं ललितपुर शहर के गल्ला मंडी रोड स्थित श्रीवास्तव ऑटोमोबाइल्स हीरो एजेंसी पर, जहाँ आज दिन भर गाड़ियों को लेने के लिए लोगों का मेला लगा रहा, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑटोमोबाइल्स के आकर्ष जी, आइए उनसे पूछते हैं आज जो सेल रही है पिछले वर्षों की अपेक्षा वो कैसी क्या रही है और क्या कहना चाहेंगे वे लोगों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टीवी में। आज जो धनतेरस पर सेल रही है कैसी क्या रही है? पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप सभी को ललितपुर लाइव के माध्यम से हम बधाई देना चाहेंगे धनतेरस की और दिवाली की। आज हमारा पिछले साल के मुताबिक बहुत अच्छा रहा और हर साल से, मतलब आज हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, आज तक हमने इतनी गाड़ी कभी ललितपुर ज़िले में नहीं की थी, आज हमने एक दिन में 700+ गाड़ी बेची है पूरे ललितपुर ज़िले में और काफ़ी अच्छा रहा, पूरे मार्केट में हलचल काफ़ी थी। हमारे यहाँ तो आज दिन भर मेला सा लगा रहा और अभी भी रात के आज अभी 9-10 बज रहे हैं और अभी भी कस्टमर अभी 10 मिनट पहले ही उतर के गए यहाँ से, काफ़ी अच्छा रहा हमारा बाज़ार, काफ़ी अच्छा चला। अच्छा, देखा जाए तो त्यौहार के पहले भी लोग बुक कर जाते हैं और लेने केवल धनतेरस को ही आते हैं, कुछ दीपावली को लेकर आते हैं, तो ऐसा भी है क्या पहले से भी कुछ गाड़ियाँ बुक होती हैं? नहीं, हमारा इस बार लगभग 100 गाड़ी पहले से ही बुकिंग थी हमारी और बाकी जितना कस्टमर आया वो सेम डे लेने आया। अच्छा, फाइनेंस को लेकर अगर देखा जाए तो फाइनेंस के थ्रू आदमी जल्दी गाड़ी लेता है, जैसे मार्केट को कितना ग्रोथ हुई आज की डेट में? एक्चुअल में कहीं ना कहीं गाड़ियों की कीमत बढ़ने से फाइनेंस बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया, पहले लगभग 10% 20% आदमी फाइनेंस उठाता था, आज की डेट में लगभग 60-70% आदमी फाइनेंस पे ही गाड़ी उठाता है, 10,000 15,000 20,000 जमा करके उसको गाड़ी मिल जाती है, वो अपनी किस्तों पे उस हिसाब से करता है, किसान भी है, अप्रैल मई जून में जब फसल में पैसा आएगा उस हिसाब से चुकाता रहता है और अभी वो गाड़ी उठा लेता है त्यौहार। तो फाइनेंस से बिजनेस बढ़ा है कि कम हुआ है? फाइनेंस से बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ा है, फाइनेंस एक हमारे लिए मददगार साबित होता है जब ग्राहक के पास पैसा नहीं होता है या वो मार्केट से जब पैसा उठाने का सोचता है तो उसमें क्या कैसा ब्याज लग रहा है उस हिसाब से, और यहीं बहुत सहूलियत मिल जाती है फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस का जो ब्याज है वो बैंक दर का रहता है कि बाजार दर का? एक्चुअल में हमारे यहाँ कई बैंक वाले भी बैठते हैं, कई फाइनेंस कंपनियाँ बैठती हैं, सबके अलग अलग हैं, लगभग बैंक के आसपास ही सबका रेट रहता है।
मतलब सभी बैंकों का एक सही रेट है, चाहे वो यहाँ से फाइनेंस कराएं चाहे सरकारी बैंक। लगभग